ताजे कोफ्ते बनाने की तैयारी। घिया मैंने कस दी है, इसमें बेसन मिलाऊंगी, टमाटर प्याज काटूंगी, आपके साथ सारी चीज़ शेयर करूंगी, क्योंकि कमेंट भी आ रहा है कोफ्ते की। इसका कोफ्ते बना के दिखाओ एक बार। और प्याज, अदरक का पेस्ट, टमाटर मैंने काट दिए हैं, इसमें घिया कस लिया, बेसन डाल लिया, नमक मिर्च सारे मसाले डाल लिए। अब मैं इसको करूँगी मिक्स। एक साइड में मैंने चढ़ा दिया रिफाइंड, तब तक रिफाइंड गर्म होगा, मैं इसका घोल बना लेती हूँ। फाइंड कर दिया मैंने, इसमें से कम डाल लेंगे। प्याज डाल दी, कीड़ा चटक गया, ट्राईपॉड है नहीं तो मैं एक बार डाल दी। इस टाइम पर मेरे पास मलाई तो है नहीं, तो मैं कच्चा दूध ही डाल दूंगी, तो काफी अच्छा टेस्ट रहता है। तो मेरे पास मलाई तो थी नहीं, मैंने दूध डाल दिया, इसका इंटर दही नहीं। कलर देखो, मलाई तो थी नहीं तो मैंने दूध डाल दिया, देखो बिल्कुल टेस्ट बनता है, तो मलाई ना हो तो कच्चा दूध। मसाला हो गया मेरा रेडी बिल्कुल। बेसन पानी ज़्यादा पीता है, तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लेंगे। मैंने इसमें डेढ़ कटोरा पानी डाल दिया है।
है ना पानी पीता है। बच्चे उठ गए, अब उनका दूध गर्म कर दूँ मैं, क्योंकि अंदर से आवाज चला रहा है। मम्मी दूध इसमें तब तक आ जाएगा उबाल, इसको देती हूँ ढक सब्जी को, बच्चों को दे दूँ दूध। तो चले जी फिर मिलते, आटा उटा लगा लूँ मैं। हाय कर दो। हेलो गाइस, ये दोनों हो गए रेडी इसके सब्जी छोकने के। बाद में मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई, देख लो ये अपने हाथ से ही करता सारे काम, उल्टी बेल्ट लगाने लग रहा, देख लो ये पागल के काम। गाइस तो ये है हमारे स्कूल की बैंड, रेडी हो गई थी सब्जी भी बनी और ना भी मैंने ज्योति लगा दी, मेरे लड्डू को भी तैयार कर दिए। देखिए सारे बच्चे छोड़ो, चीकी पागल हो गई राधे। मैंने लगा रखी है मशीन, कपड़े धो गए हैं, बहुत सारे ज़्यादा धो गए हैं, काफ़ी देर बाद उठाया मैंने फ़ोन, झाड़ू हो गया, पोचा रह रहा माथे मत तक, जिस्ट रख रहा है, मैं दूध का हिसाब कर रही थी बीच में, ओनली पोचा और कपड़े सूखा करने रह गए हैं। जी शाम के बज गए 4:30, मैं फिर मैंने फ़ोन उठा लिया वीडियो शूट करनी थी, क्योंकि पहले मैं लगी हुई थी तुरपाई करने, और अब शाम का काम, शाम का टाइम हो गया है, चाय पी थी, जो बर्तन साफ करूँगी बहुत सारे पड़े हैं दोपहर के लंच के भी, और फिर मैं देखती हूँ कपड़े प्रेस करने, वैसे तो बहुत सारे कपड़े हैं, फिर रात में अड़कस आ जाए शाम, क्योंकि सवेरे 3:30 बजे उठते हैं, दिन में लौटते नहीं, शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा अड़कस आ जाए, ऐसा हो जाए फिर तो काम करके लेट जाओ, तो इसलिए अब मैं कपड़े लाऊंगी उतार के, प्रेस करूंगी और बर्तन मांजूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, फिर देखती हूँ। आज मैंने मशीन पे नहीं बैठी, आज मैंने तुरपाई करी, क्योंकि कल मैंने 2 सूट बनाए थे और रात को सोए भी नहीं, रात को 11:30 बजे के बाद में तो नींद आई ही नहीं सवेरे। देखिए सारे बर्तन, गैस भी फैली पड़ी है, अब इसको समेटूंगी सारे को, मोटर मैंने चला दी है और पानी भरूंगी, आरओ चालू करूंगी। देखिए कितने सारे कपड़े धोए थे आज, अब इन्हें तय करूंगी, जो प्रेस करेंगे उनकी प्रेस करूंगी, जो छोटे हैं उनकी तय करूंगी, बहुत टाइम लगने वाला जब तक मैं बर्तन साफ कर लूं, पानी आ गया तो ताज़ा। जी मैंने कर दिया प्रेस की तैयारी, ये कपड़े हैं प्रेस के और ये है जुटा करके, और ये हमारी पैड़ी है इतनी ऊंची।